Yes, next topic is treatment of accumulated profits and losses. Accumulated profits means the amount of profit kept in reserve by the partners. For example, general reserve, reserve fund, the same meaning हमने admission, retirement, tax वगैरह में या graduation में किया हुआ. General reserve हो गए, simple reserve हो गए, reserve fund हो गया, capital reserve हो गया, workman reserve हो गया, fine, profit and loss account, credit balance हो गया. अगर हम losses accumulated की बात करें तो वहां पे profit and loss का debit balance हो गया या advertisement suspense account हो गया. ठीक है, और अगर प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का ना बैलेंस बताया हो कौन सा है तो ये आपको बताया कि ये क्रेडिट बैलेंस होता है, मीन प्रॉफिट ही होता है. तो इसकी जो एंट्री है वो डिपेंड करेगी कि वेदर द पार्टनर्स वांट टू शो द रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट और नॉट. ये हमने सम्स किए हुए हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, कि जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो न्यू बैलेंस शीट में कभी अपेयर नहीं होते. जब न्यू बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होते, इट मींस कि दीज आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो. पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स के ही पैसे होते हैं जिन्होंने प्रॉफिट्स में से रिजर्व रखे होते हैं. राइट, यहाँ पे चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो में दो चीजें हैं. या तो पार्टनर्स जो हैं वो उस चीज को ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे रिजर्व्स को न्यू बैलेंस शीट में, या वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो दिखाएंगे इसको. तो डिपेंड करता है whether the partners want to show the reserves in new balance sheet or not. Fine? पहले हम केस करेंगे when the partners don't want, तो हमने पहले किया हुआ है कि उसको भी पहले करते हैं. When the partners don't want to show accumulated profits or losses in new balance sheet. When the partners don't want to show accumulated profits or losses in the new balance sheet, when they don't want to show, it means that these will be transferred to partners capital. जो हम admission, retirement, death में पहले कर रहे थे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में. एंट्री एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री बन जाएगी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऐसी एंट्री होती है एंड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा. अगर यहाँ पे एक्युमुलेटेड लॉसेस हो तो एंट्री जो है वो रिवर्स बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड लॉसेस अकाउंट अगेन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड फुल वैल्यू. वैल्यू विल आल्सो बी फुल, जितने के लॉसेस प्रॉफिट्स हैं उतने. जो हम पहले कर रहे थे वही है क्वांटिटी वाला, इसमें कोई नया नहीं, इसलिए मैंने पहले वो करवाया जो हमने पहले किया हुआ है. They don't want to show profit losses accumulated in new balance sheet. Means that they want to get it transferred to the partner's capital. और उसके बाद क्या होता है? जब हम transfer कर देते हैं, तो नई balance sheet में वो नहीं appear होते. ऐसे ही होता है? ऐसे होता है? नई balance sheet में नहीं appear होते. They don't want to show in the new balance sheet. Partner's capital में transfer कर दिया गया. Second point is when the partners want to show accumulated profits or losses in the new balance sheet. When partners want, जितने reserves वगैरह पड़े हुए हैं ना वो as it is पड़े रहे, वो उसकी कोई value change ना हो और नई balance sheet में वो as it is show भी किए जाए. In that case वो same entry जो हम कल goodwill भी pass कर रहे थे, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital, वो आ जाएगी entry. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. Done. Fine. और यहाँ पे full value नहीं आएगी. जैसे हम कल goodwill का sum कर रहे थे, हम goodwill में से respective share of profit और loss या gain और sacrifice. याद है कल का sum 18,000 आया था एक का, goodwill दी हुई थी वो 1/3 का, 6,000 से किया है ना. 1/3 एक पार्टनर का गेन आ रहा था, 1/3 सेकंड पार्टनर का लॉस सैक्रिफाइस आ रहा था, हमने ये एंट्री पास करी थी. तो
इन फुल वैल्यू से ही एंट्री आनी है। ये एंट्री आप पास करोगे फुल वैल्यू से आएगी। जब ये वाली एंट्री पास करोगे व्हेन दे वांट टू शो प्रॉफिट लॉसेस एक्युमुलेटेड इन बैलेंस शीट, तब उतने गेन या सैक्रिफाइस से एंट्री है जितना को हो रहा है, एंड दिस एंट्री विल बी इन केस ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर लॉसेस हो जाए एक्युमुलेटेड, उस केस में ये एंट्री आपकी फिर रिवर्स हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और सम में ही आपको बताया गया होगा कि वेदर दे वांट टू शो इट और दे डोंट वांट टू शो इट, जैसा बताया गया हो वैसे कर लो। अगर अगर जो है वो नहीं कुछ बताया हुआ, सम इज साइलेंट, एनी मेथड यू कैन अज्यूम, वहां पर लेकिन अजम्पशन देनी पड़ेगी। अजम्पशन देके किसी भी मेथड को आप उस हिसाब से कर सकते हैं, आप इस मेथड से कर लो चाहे आप इस मेथड से कर लो, बट इन दैट केस वट एवर आई फील कि ये वाला मेथड करना भी ज्यादा है, क्योंकि ये वाला मेथड करते रहे हैं और मोर ओवर इस मेथड में कोई कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा उसके बाद एंट्री पास करनी पड़ेगी, जबकि ये वाला मेथड में हमें सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट रेशियो की जरूरत है, वो सब में दी होती है और ना दी हो तो वो ओल्ड होती है। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में आता भी नहीं है, और सम जो है वो हम ऐसा ही एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में भी करते रहे हैं, और डेजोल्यूशन में भी ऐसा ही किया, सारी पार्टनरशिप में हमें यही वाला मेथड किया है, अदरवाइज सम में लिखा होगा, बट स्टिल इफ सम इज साइलेंट अबाउट दिस, बेटर टू डू सम विद दिस मेथड, और अजम्पशन लेनी पड़ेगी, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द पार्टनर्स डोंट वांट टू शो प्रॉफिट लॉसेस इन द न्यू बैलेंस शीट। बाकी आपकी मर्जी है, आप इससे भी कर सकते हो, हार्डली एनी प्रॉब्लम। एंट्री उतारनी है आपने, है ना, यहाँ पे लिखनी दीजिए विद रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सैक्रिफाइस और गेन, दोनों केसेस में विद रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सैक्रिफाइस और गेन। करें सम करें इसका, सम नंबर 17 देखना बेटा, इसमें दोनों मेथड्स हैं। Sum 17. He says X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. This is their old profit ratio. On 31st March 2020, their balance sheet showed general reserve of ₹60,000. General reserve hai, so this is accumulated profits. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. New ratio di hui hai. Pass necessary journal entry in each of the following cases. Number one is when general reserve is not to be shown in the new balance sheet, and second is when general reserve is to be shown in the new balance sheet. So the first case is it is not to be shown in the new balance sheet. It is not to be shown in the new balance sheet. When the partners don't want to show it in the new balance sheet, so general reserve जो है उसको हम write off कर देंगे, transfer कर देंगे partners capital में. Anybody can tell me क्या entry बनेगी इसकी? निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है 2:1 एंड न्यू 3:2,
ऐसे ही 2:1 old and new is 3:2. तो हम sacrifice निकालने की कोशिश करते हैं. Sacrifice of x is 2/3 minus new 3/5 15 1/15. ठीक है 1/15. This is sacrifice and gain of y बन जाएगा 1/15. दो ही तो पार्टनर्स हैं. अगर एक का सेक्रीफाइस आ रहा है तो दूसरे का फिर गेन आ जाएगा. गेन वाई का आ रहा है, एंट्री है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. मींस वाई कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. पर अमाउंट क्या आएगी 60,000 × 1/15 दैट इज 4,000 rupees. 4,000 से वो एंट्री आएगी. ठीक है पॉइंट वही है. और बस सिर्फ ये इनको इस चैप्टर में सारे छोटे छोटे पॉइंट हमने पिछले 4-5 चैप्टर्स में किए यहाँ पे क्लब किए हुए हैं पॉइंट्स. इसीलिए इस चैप्टर को बीच में से छोड़ के बाद में करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर इतना कुछ जो है वो पहले करवाया जाता तो ये सारे चैप्टर्स पहले करवाने पड़ते थे, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता. ठीक है पॉइंट क्लियर है. तो इस टॉपिक में जो आपके सम्स हो जाएंगे, सब नंबर 10 हो जाएगा आपका, सम 11 हो जाएगा. जो 12 वाला है ना, जहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात होगी या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात होगी ना, ये पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा. ये वाला पॉइंट था ये मैं करवाऊंगा आपको. अदरवाइज हमने ये भी किया हुआ है एडमिशन रिटायरमेंट में, हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा क्लब करके इकट्ठा करके दिया हुआ है. यहाँ पे करना और अच्छा हो जाएगा, पिछली रिविजन भी हो जाएगी और साथ में यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा. यहाँ वाला जहाँ पे वो पॉइंट आ गया वो सम छोड़ देना, वो हम कल करेंगे उसको. ठीक है और बाकी की आप कर लेना. और इसमें जैसे एक सम है आपका सम नंबर 20, इसमें भी एक पॉइंट है सम 20. He says x, y and z are sharing profits losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. Without affecting their book value. What does this mean? Without affecting their book values. It means that the partners, they want to show it in the new balance sheet without affecting their book values. Shivaji, yahi answer hai aapka ya kuch aur hai? Sahi yahi tha. Yahi. Without affecting their book value means book value will not be changed. Means jo value books mein pehle thi before the event, after the event it will remain same. समझ आ रही है बात? ठीक है. The book value will not be changed without altering the book value. तो ये वाला point बनता है उस केस में. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जनरल रिजर्व जो है ये रिजर्व है आपका, ये प्रॉफिट है. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ये भी प्रॉफिट है. और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है ये प्रॉफिट है या लॉस? ये लॉस है ना. तो अगर हम इसकी एंट्रीज करें तो पहले एक जनरल रिजर्व की एंट्री होगी ये वाली, फिर आप एंट्री करोगे प्रॉफिट लॉस की ये वाली, और फिर आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट की वो ये वाली लॉस वाली. हमें तीन एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. लेकिन उसने यहाँ कह ही दिया है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री. अगर ना भी कहा होता ना और मेथड ये वाला होता तो हम तब भी सिंगल एंट्री ही पास करते, एक एंट्री ही हम पास करते. ठीक है. अब एक एंट्री पास कैसे पास करेंगे? जनरल रिजर्व है आपके 6,000 की, ये प्रॉफिट है. एक प्रॉफिट लॉस बैलेंस दिया हुआ है वो है 24,000 का, ये भी प्रॉफिट है. और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो है 12,000 का, ये लॉस है. नेट कितना आ गया 18,000 से आप एंट्री कर देना बिकॉज ये प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं. ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ये लॉस था. जो बैलेंस आया है बैलेंस ज्यादा प्रॉफिट्स का आया है ना, गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट. 6000 प्रॉफिट था, 24 प्रॉफिट था, 12 का लॉस है. जो 18 है वो प्रॉफिट हो गया ना ज्यादा. प्रॉफिट वाले केस में हम ये वाली एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्ट से डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. 18,000 में से उसका शेयर निकाल के, अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर ऐसे ही बता दीजिए, गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और जिसका शेयर नहीं चेंज हो रहा है वो कौन है. रेशियो देख के चल रहा है पता. तो गेनिंग पार्टनर x, गेनिंग पार्टनर z, गेनिंग पार्टनर z है और सैक्रिफाइसिंग
एक्स एक्स इज सेक्रीफाइसिंग। एक्स का देखिए पहले था 5/10, अब हो गया 2/10। जेड का था 2/10, अब हो गया 5/10। तो दोनों का 3/10 सेक्रीफाइस जो गेन आ गया। और जो वाई था उसका पहले भी 3/10 ही था, अब भी 3/10। वैसे देखिए चल रहा है पता है ना, ठीक है। तो 3/10 से हम एंट्री पास करेंगे, इसका अगर हम 3/10 करें तो वो बन जाता है 5400 से एंट्री पास करेंगे। जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। इज इट डन? ठीक है, चल रहा है पता है क्या किया है मैंने। और इसके बाद सपोज अगर बैलेंस शीट बनती है, अगर बड़ा सम आ जाए, इसके बाद बैलेंस शीट बनती है तो जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दोनों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी जो है ये भी आपका एसेट साइड में, तो लॉस आइए एसेट साइड में एज इट इज आएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं भी मुझे एंट्री पास करी है, क्या एंट्री पास करी है, यही एंट्री पास करी है। मीन्स द प्रॉफिट लॉसेज हैव बीन एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, उसका हमने अकाउंट नहीं क्लोज किया विदाउट ओपनिंग देयर अकाउंट, हमने ये किया है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो, है ना। हमने उसको ट्रांसफर नहीं किया। ये देखिए अगर आप इस मेथड से एंट्री करते हैं ना, व्हेन दे डोंट वांट टू शो प्रॉफिट लॉसेज न्यू बैलेंस शीट, फिर वो नहीं आता, लेकिन फिर एंट्री भी यही होती, फिर ये वाली एंट्री होती है ना। यहाँ उसने क्या कर रहा है, उसने किया विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट ओपनिंग देयर पर्सनल अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। इट मीन कि हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। एंड इन दिस मेथड व्हेनेवर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज पास्ड इन दैट केस व्हाट हैपेंस, न्यू बैलेंस शीट में वैल्यूज एज इट इज आती है। अगर बात बड़ा क्वेश्चन में तब की बात कर रहा हूँ, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा और हम इसकी एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो वो रिजर्व वगैरह होंगे जो प्रॉफिट लॉसेस होंगे तो एज इट इज बैलेंस शीट में न्यू वाली में आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं रब कर दूं, ये कुछ करने वाला है तो कर लीजिए प्लीज। ओके, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Same topic जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी बहुत आ जाएगा। अगर हम जो हमने पहले किया है एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में, उसमें हम कर रहे थे कि अगर कोई एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कर रहे थे। लाइक सपोज बैलेंस शीट में दिया है फर्नीचर 1 लाख और उसमें कहा गया है कि फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹10,000, तो हम उसको लिख रहे थे एंट्री, हम क्या पास कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹10,000, यही कर रहे थे। मीन्स हमारा फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कम हो रही थी। एंड साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे थे, बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे, ₹10,000 से रिड्यूस करके मींस 90,000 के साथ हम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे थे। जो 90,000 दैट इज रिवाइज्ड फिगर, रिवाइज्ड फिगर हो गई ना, पहले फर्नीचर 1 लाख का था, नाउ इट हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10,000, सो दैट इज 90,000 इज रिवाइज्ड वैल्यू। सपोज क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपीज के, और हमने वी फाउंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000 आर अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल में पता ही नहीं कौन है, किसके पैसे लेने हैं, मींस दे आर नॉट लाइकली टू अराइज। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया ₹50,000 का। हम इसकी एंट्री कर रहे थे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आपको याद हो यही एंट्री थी। जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे थे, यही किया। मींस इसका 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, बस यही बनता है पार्टनर
want to show efforts and abilities at their devices. एसेट्स लाइबिलिटीज को रिवाइज फिगर्स पे लेके जो है वो न्यू बैलेंस शीट में जो हम कर रहे थे, ये मेथड सेम है जो हम पहले कर रहे थे. मीन्स वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में हम उनको चेंज्ड वैल्यूज के साथ, अल्टर्ड वैल्यूज के साथ लिख देंगे, जो मैं एग्जाम्पल पहले ले रहा था. गेटिंग माई पॉइंट और नोट, जो हमने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में किया, डेथ ऑफ पार्टनर में किया, वो ये पॉइंट है जो पहले हम तीन चैप्टर्स में कर चुके हैं. मींस द एंट्रीज विल बी पास्ट और द अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है. सेकंड केस, इफ द पार्टनर्स डोंट वांट टू शो द एसेट लायबिलिटीज एट दिस लाइफ, पार्टनर्स से कि हमने नहीं करना, हमने रिवाइज फिगर्स पे नहीं करना. अगर फर्नीचर 1 लाख का था एंड इट हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10% सपोज, तो वो लॉस तो 10,000 का हो गया नो डाउट, लेकिन हम फर्नीचर को बुक्स में 1 लाख का रखेंगे, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे. मींस दे डोंट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज फिगर्स. माई पॉइंट इज क्लियर? बिकॉज अगर पॉइंट क्लियर है तो आगे तभी समझ आएगी, है ना. उसने कहा कि नहीं, अगर फर्नीचर 1 लाख का था, इट हैज बीन डेप्रिशिएटेड, इट हैज बीन एप्रिशिएटेड, बट आई एम रिड्यूस, बट द फर्नीचर विल कंटिन्यू टू रिकॉर्ड इन द बुक्स एट रुपीज 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू ओनली, या क्रेडिटर्स या मशीनरी, कोई एसेट कोई लाइबिलिटी जिस बैलेंस जिस वैल्यू पे पहले बैलेंस शीट में थी बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट अगेन इट विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द एट द सेम प्राइस. क्लियर? इन दैट केस वी कांट ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल देंगे तो एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, तो जो है पॉसिबल नहीं है, पार्टनर्स नहीं कह रहे. बट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना. तो हम करते हैं, कैसे करना है. अगर आपका रिजल्ट आता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन केस ऑफ दिस निकालेंगे हम प्रॉफिट लॉस, बट हम प्रॉफिट लॉस इसके लिए अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे. द एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी एंट्री करी है. एंड इन केस इट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, द एंट्री विल गेट रिवर्स, एंट्री बन जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड अगेन यहाँ मेंशन कर लेना विद रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गेन और लॉस एंट्री आएगी, फुल प्रॉफिट या लॉस से एंट्री नहीं आएगी. यहाँ मेंशन कर लेना रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गेन या लॉस से एंट्री आएगी. नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे करना है. तो जो हम क्रेडिट साइड लिखते थे रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड क्या लिखते थे हम, प्रॉफिट्स या लॉसेस? प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स में लॉसेस लिखते थे, ऐसे ही लिखो उसको, लेकिन उसको वर्चुअल फॉर्म में शो कर दो. सपोज मैं ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सपोज इधर मैंने लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर्स से 1 लाख, बाय स्टॉक से 1 लाख, इधर लिखा है मैंने टू मशीनरी दैट से 50,000, और यहाँ पे लिखा है टू बिल्डिंग अगेन 50,000. तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का 1 लाख. ये मैं इस मेथड में करता, पहले वाले मेथड में. अब यही चीज मैंने सेकंड मेथड में कर ली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखाऊंगा जी डिक्रीज इन क्रेडिटर 1 लाख, इंक्रीज इन स्टॉक 1 लाख. समझ आ रही है बात? यही चीज लिखूंगा. क्रेडिटर्स यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि डिक्रीज हुए हैं, लेवल पे डिक्रीज यहाँ आती है. स्टॉक यहाँ पे एसेट है, एसेट इंक्रीज यहाँ आती है, और माइनस डिक्रीज इन मशीनरी 50,000,
दिस आई कैन शो यू ब्रैकेट, क्योंकि ये लॉस में माइनस करना है, लॉस वाला पॉइंट है. देन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000 अगेन अगेन माइनस, जो माइनस वाली फिगर है लॉस वाली फिगर है मैं वो माइनस में शो कर दूंगा. देन चार आइटम्स होगी, मैंने डेबिट साइड अलग लिख ली ऊपर, क्रेडिट साइड डेबिट साइड नीचे लिख ली. जब मैंने कैलकुलेट किया तो 2 लाख का मेरे पॉजिटिव बन रही थी, 1 लाख मेरे नेगेटिव बन रहा था, तो मैं यहाँ शो कर दूंगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज रुपीज 1 लाख. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रुपीज 1 लाख, फिर मैं एंट्री पास करूंगा. अब जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में ई वाली एंट्री पास होगी, ऐसे ही ठीक है. सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, ए गेनिंग पार्टनर है और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. लेकिन एंट्री सिर्फ 1 लाख से नहीं होगी, अगर ये वाला मेथड होता तो एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल में जाती है 1 लाख से जाती है, और इसकी भी एंट्री सबकी होगी. यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसकी एक एंट्री होनी है. सपोज ए का गेन है 1/10 और बी का सैक्रिफाइस है 1/10, तो 1 लाख का जितना प्रॉफिट हुआ उसका 1/10 निकाला 10,000 ए और 10,000 बी का, जैसे हम लिखा है पहले विद रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस को लेकर, या रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गेन और सैक्रिफाइस. समझ आ रही है बात, है ना. अगर उसने कुछ भी मेंशन किया, अगर मेंशन किया कि वांट टू शो देयर वाइज पिक्चर, इतनी जो हम करते आ रहे हैं पहले वही है. अगर कहा है द पार्टनर्स डोंट वांट टू शो देयर वाइज पिक्चर, उस केस में फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलोगे नहीं, लेकिन उसका एक सेट जरूर दिखाओगे और यहाँ पे हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विदाउट ओपनिंग. सी नेवर वी हैव ओपन एनी रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बना रहे थे वो इस केस में था, पहले वाले केस में था ठीक है. जो प्रॉफिट लॉस वहां पे आया, प्रॉफिट है तो ये एंट्री पास कर रही है, अगर लॉस होता तो एंट्री रिवर्स करती हूँ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर कर देते, करते हम रिस्पेक्टिव शेयर. अब यही पॉइंट अगर पूरे बैलेंस शीट में आता, पूरी बैलेंस शीट में सपोज आता है, पूरे पोर्शन में आता, तो जो ये हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं या स्टॉक इंक्रीज हुआ है या बाकी एसेट लायबिलिटीज फर्क पड़ा, बैलेंस शीट में ये फर्क नहीं पड़ना. बैलेंस शीट में क्रेडिटर से 1 लाख माइनस नहीं करने थे, स्टॉक में 1 लाख प्लस नहीं करने थे, बिकॉज द पार्टनर्स थी कि हमने रिवाइज फिगर्स नहीं शो करनी है, इसलिए हमने बिना रिवैल्यूएशन को ओपन की हमने ये एंट्री पास करी. क्लियर पॉइंट, ठीक है. ये आपका टॉपिक है, इससे आपके जो सम्स हैं वो 21 से लेकर 24, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले सम हैं, ये भी आपके हो जाने हैं. और इसके डाउट सम कल सुन के उसके आगे बाद जो मैंने करवाना है वो करवा के, और 2-4 सम रह जाएंगे वो भी हो जाएंगे. मीन्स आपका कल जो सिलेबस है ये वाला फिनिश हो जाए, कल या परसों मैक्सिमम 2 दिन लगा लीजिए और ये चैप्टर जो है आपका वो फिनिश हो जाए, देन वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर. ठीक, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क. मोर ऑफ दिस डे नथिंग.